ठाकुर जी सब निकला है सब ठाकुर जी तो माया क्या है तब प्रश्न आएगा <laughs> हम माया बोलते ना माया है माया है माया है का लेक्चर है बहुत सुंदर लेक्चर है प्रभुपा जी बोलते हैं जब यही महाभाग व दृष्टि हो जाएगा तब तो माया कुछ नहीं रहेगा माया किसका है मम्मा माया है ठाकुर जी का माया है ना सब जगह भगवान को दर्शन करें तब तो माया क्या है माया कुछ नहीं है माया शब्द का अर्थ यही है जहा कृष्ण नहीं तहां माया राधिक जहां कृष्ण संबंध नहीं है तहां माया माया कुछ चीज नहीं है प्रौपा जी यही बता रहे माया कुछ नहीं है हाँ कोई कोई शादी करता ना वो सोचता है पत्नी मेरे लिए माया है नहीं द्रौपदी माया नहीं था माया नहीं थी किसके लिए पांडव के लिए कृष्ण का सेवा कर रहे थे जो चीज आपका पास है लेकिन वो कृष्ण का नहीं है कृष्ण सेवा में नहीं वही माया और हम लोग के लिए क्या माया अगर साधु के लिए भी एक माया है क्या माया है अगर सेवा नहीं करते ये शरीर अगर भोग में जाता है ना ये शरीर भी हमारे लिए माया है सेवा में नहीं ठाकुर जी भी स्मरण होते हैं शादी न करने से क्या होता है ठाकुर जी की सेवा में लगना चाहिए ये हमारा लक्ष्य है तब तो माया कुछ नहीं है महाभागवत का यही दृष्टि जंगम स्थावर दोनों चर अचर सब में कृष्ण को दर्शन करते मैं एक गांव का भक्त है मैं गया था कथा के लिए <laughs> सुना पहली बार आप लोग शायद पढ़े मुझे तो पढ़ने को फुर्सत नहीं मिलता है बोलने को मिलता है अरे पढ़ेंगे तो तब तो बोलेंगे क्या करे तो भाग्य में नहीं होता है प्रभुपा जी सब पढ़ना चाहिए प्रभुपादी इतना विज्ञान है प्रभुपादी का प्रवचन में विज्ञान बोलता अनुभव ज्ञान <laughs> चिबाकर हमको दिया है आपको पता है ना गो माता का बोल रहा था ना गाय गा, गा, गाय क्या करते घास है? खाते हैं चिबाते हैं तब चिबाने का बाद चबाते हैं ना चबाने का बाद वो पकता है तब क्या बनता है दूध बनता है तब तो हम भोजन करते हुष्ट पृष्ट होते हैं साधु लोग शास्त्र कैसे पक्का है आप बस सोचिए मैं शास्त्र पढ़ के समझ लूंगा नहीं शास्त्र कैसा है मैं पहले जब आया था ये बोला शास्त्र सागर की सागर इधर सागर है ना समुद्र समुद्र में क्या होता है आपको बहुत तृष्णा है प्यास है आप जाएंगे थोड़ा पानी पीने के लिए सुहू बीच जुहू बीच में क्या मिलेगा आपको पानी मिलेगा आप आप मेडिकल में जाएंगे वो पानी थोड़ा पी लेंगे तो मेडिकल एडमिशन हो जाएंगे हे तो पानी लेकिन है इसमें है इसमें क्या नमक आपके लिए हित नहीं है तो पानी शास्त्र ऐसा ही है आप किसी अधिकार में है ना आपको पता नहीं चलेगा शास्त्र पढ़ेंगे ना आपको चलेगा रे ये तो ठीक नहीं ये मेरे लिए ठीक नहीं मैं ये करना चाहता हूं मैं ये करना चाहता हूं अधिकार निर्णय होता है ये आसानी नहीं है लेकिन सम ओही पानी को जब सूर्यदेव ले जाता है नमक को छोड़ देता है पानी ले गया और उसको सूर्यदेव क्या करता है बरसात होता तो है ना तब तो उसको हम पीते हैं। फिल्टर हो गया आचार्य यही इसीलिए साधु जो बोलता है वो विज्ञान फिल्टर हो गया फिल्टर फिल्टर पानी पी लो अभी कुछ नहीं होगा बैक्टीरिया कुछ नहीं डायरेक्ट शास्त्र इसमें थोड़ा इधर उधर है ना इसलिए आज चल रहा है इतना हलचल मन में चल रहे मैं तो पढ़ा हूं अरे तुमने पढ़ा है साधु से सुना है क्या तुम जब पढ़ा है तुम तु, तु, तुम्हारा बुद्धि दिमाग लगाकर पढ़ा है तुम्हारा दि, दिमाग जिस गुण में है तुम्हारा बुद्धि जिस गुण में है वही ज्ञान तुम्हारा है लेकिन शास्त्र का तात्पर्य यही नहीं है इसका ऊपर है मैं सुना था एक भक्त से वो भागवत कथा की अनुमोदन कर रहे थे वो बोले थे गाँव में रहते हैं लेकिन मैं सुना प्रूपा जी इतना बड़ा बात होता है मैं तो पढ़ा नहीं कभी प्रूपा जी विदेश में एक बार जा रहे थे देखिए तावर ब्रह्म दृष्टि कैसा है हर जगह में जा रहे थे प्रोपति क्या पकड़ते इसको हिंदी में क्या बोलते हैं लाठी ने हाँ आप पकड़े हैं ना छड़ी <laughs> छड़ी ऐसा ही है तो प्रूपा पकड़ते हैं हम पकड़ते हैं आश्रय के लिए प्रभुपद के लिए कोई जरूरत नहीं है कृष्ण उनका आश्रय वो तो हम लोग को दिखाने के लिए पकड़ कर जाते थे एक एक स्थान में आइस बर्फ बर्फ क्या बोलते हैं हिंदी में बर्फ बर्फ है विदेश है। में होता है ना बर्फ गिरता है वो वो थोड़ा थोड़ा फूल जैसा पहले बर्फ कैसा है ना विदेश में जो पड़ता है ना फूल जैसा है उसका बाद वो धीरे धीरे जम जाता है पत्थर हो जाता है पत्थर जैसा तब प्रभुपाद ने वो स्टिक लेकर उसको ऐसे ऐसे कर रहे थे रुक गए भक्त लोग बीच में चा, चारों दिशा में खड़ा है प्रभुपादी इसको ऐसे कर रहे हैं प्रहार कर रहे हैं स्टिक का जो पीछे में है ना इसमें लगा ऐसे कर कितना बार के कितना बार के कितना बार के। तो भक्त लोग पूछ रहे जी ये क्यों क्यों कर रहे हैं वो सोच रहे थे प्रभुपाद क्या ये छोटा बच्चा जैसा ऐसा खेल रहे हैं बर्फ से ऐसे क्यों कर रहे हैं ऐसे ऐसे किए ऐसे ऐसे वो तो भक्त बता रहे थे आप शायद पढ़ा होगा मैं तो पढ़ा नहीं है कितना बार प्रभुपद की कोशिश किए लाठी से तब नहीं टूटा वो तो भक्त लोग ने प्रश्न किए प्रभुपद आप ये ऐसे क्यों कर रहे हैं प्रभुपद बता रहे देखिए ये क्या था पानी था अभी देखिए स्वरूप धर्म को त्याग कर दिया है क्या हो गया है देखिए उसका धर्म को वापस लाने के लिए मैं कितना प्रयास करता हूं नहीं होता तुम लोग ऐसा ही <laughs> जीव जब मायाग्रस्त हो जाता है वो बर्फ जैसा हो जाता है कितना मैं प्रयास करता हूं लेकिन देखो कितना कठिनाई होता है प्रोपा देख बोल रहे देखिए कितना कठिनाई होता है पानी ये स्थिति में उसको उसका स्वरूप स्थिति लाना में कितना कठिनाई होता है संभव नहीं होता जीव ऐसा है मायाग्रस्त हो जाने से ना भूत लग गया मायाग्रस्त जीव रहे से भाव हो पिशाची लागिले जेना जे न न है माया ग्रस्त जीवर है हाँ। उदाय भूत लग जाने से जैसा मतिच्छन्न आछन हो जाता है ऐसा ही माया ऐसा पकड़ लुपद क्या दर्शन कर रहे थे बर्फ दर्शन कर रहे थे नहीं एक उदाहरण प्रोपद से मैं पढ़ा हूं। ये पढ़ा हूँ शायद प्रोपद कहा मॉर्निंग वॉकिंग शायद जूह में है या विदेश में समुद्र के पास के पास छोटा तो छोटा क्या बोलते है? कंकड़ा बोलते हैं ना छोटा छोटा उड़िया कंकड़ा कंकर, किंकड़ा है हिंदी में क्या बोलते हैं छोटा छोटा है ना कंकड़े देखे है ना पूरी में बीच में है सी बीच में इधर है नहीं छोटा पूरी में जाएंगे ना देखें छोटा छोटा वो जा रहे दर्शन कर लिए तो देखिए स्थावर जंगम देखे ना देख तारो मूर्ति ब्रह्म दृष्टि है ना प्रभु तो बता रहे भक्त लोग उसको पकड़ो पकड़ा है कभी कंकड़ा को देखा है आप पूरी में पकड़ लेंगे आप नहीं नहीं छोटा है आपको देखते देखते भागेंगे आपको देखेंगे भागेंगे इसका मतलब क्या है मैं आपको केयर नहीं करता हूं। वो घुस जाता है इधर जाता, जाता है उधर जाता है मैं देखा कितना बार मैंने प्रभुपाद को पढ़ने के बाद कोशिश किया उसको पकड़ने के लिए वो पकड़ में नहीं आते हैं जल्दी जल्दी भाजते इतना क्या बोलते तेज है और इतना केयर हमको केयर नहीं करते आदमी मेरा क्या करेगा प्रूपा बोल बोल रहे हैं पता है वो इतना निर्भय क्यों है निर्भय बोलते हैं ना हिंदी में डर दर, दर्पण क्यों नहीं है पता है तुमको तो लो तो तो वो लोग खड़ा रहे प्रूपा दसतावर जंगम तो महाभाग होते इन्होंने समुद्र पर आश्रय किया है उनका आश्रय विशाल है सेल्टर हे तो छोटा कीड़ा है छोटा है लेकिन इसका आश्रय बड़ा है इसीलिए हमको भी वो केयर नहीं करता अगर कृष्ण को हम आश्रय कर लेंगे संसार में इसे हम निर्भय रहेंगे प्रभुपद इमीडिएटली यही बोलती है <laughs> <laughs> यही है ब्रह्म दृष्टि महाभागवत दिखे स्थावर कितना प्रभुपद का कन्वर्सेशन पढ़िए ना कितना ये सही ये विज्ञान महाभागवत देखे ताबर जंगवा तहां तहां है तार कृष्ण रसपुर सब जिसे हम कोई छोटा बालक को देखते हैं क्या सोचते हैं बालक है महाभागव ऐसा नहीं सोचते क्या सोचते हैं कृष्ण का सखा है कोई नारी को जुबती नारी को हम देखते हैं क्या सोचते हैं भोग्य वस्तु सुंदरी है पर। तो महाभागव दर्शन करते हैं अरे गोपी है चाणक्य पंडित ने नीति में एक श्लोक लिखे हैं तो याद किया बीच में भूल गया फिर <laughs> लाने के लिए श्लोक को और विश्वनाथ चौक ठाकुर में एकादश कंध में यही लिखा है एक नारी वो जा रहे हैं जुबती नारी जा रहे तो कुत्ता दर्शन करेगा तो क्या दर्शन करेगा इसमें कुत्ता ना क्या दर्शन करता है हा? कब मरेगा उनका मांस भोजन में करूंगा मांस को दर्शन कर मर जाएगा तो अभी कितना सुंदर है ना मांस कुत्ता का यही दर्शन है योगी जब जो नारी को दर्शन करता है जो क्या सोचता है मल मूत्र का के भांड है पात्र और इसमें है क्या हमारे में है क्या क्या चाहे पुरुष हो नारी भीतर क्या है पर्दे तो ये लगा लिए हैं हम भीतर कोई देखा है भीतर दो ने दो बता है भागवत में भीतर क्या है दो नारी बताए हैं संसार में सबसे लक्ष्मी बताए हैं और एक बेस्या बताए पता है आपको पढ़िए भागवत में पिंगला बेस्या ने हैं और रुक्मिणी ने बताए ये शरीर में क्या है ऊपर सेंट वगैरह लगा देते हैं भीतर जो सेंट है हमने रखा है जो स्टोर रूम में सेंट इसमें हम देखे ना बाथरूम में क्या लगाते हैं हम फिर आदमी इतना गर्व करता है बाथरूम में कितने सेंट वगैरह है कहाँ से आता है वो भीतर है ना सब पकता है कितना क्या डालते हैं क्या पाउडर जीरा पाउडर ही कितना डालते हैं जो भोजन करते हैं कितना बहुत सुंदर भीतर जाता है मैं बताया था ना एक बार मुझे बार बार याद आ रहा है एक आदमी जा रहा था और सब लोगों ने टट्टी के बोलते हैं ना टट्टी के मल त्याग के हैं वो मल का ऊपर थुक रहा है थुक रहा है। तो मल बता रहे हैं कि मुझे क्यों थुक रहे हैं? वो दुर्गंध है ना दुर्गंध निकलता है मैं दुर्गंध हूं या तू दुर्गंध हू नहीं तू वो बोल रहे है मल को तू दुर्गंध मैं दुर्गंध हूं तुमको पता है मैं क्या था पहले मैं राइस था चावल था गेहूँ था डाल था सब्जी था उस समय में दुर्गंध था तुम्हारा भीतर गया मेरा ऐसा हालत हो गया <laughs> तुम्हारा भीतर जाने के बाद यही है हमारा शरीर फिर इतना गर्व इतना गर्व हमारा है